इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से ज्यादा लोगों के बीच हेयर स्टाइल को लेकर पहचाने जाने वाली एक्ट्रेस साधना ने 60-70 के दशक में लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में 2 सितंबर 1941 में हुआ। जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस समय ये कलाकारा इंडिया आ गई। बता दें कि साधना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके पिता ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस साधना बोस के नाम पर इनका नाम रखा। इस कलाकारा को पहचानना साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म लव इन शिमला से हुआ। इस फिल्म के बाद से ही उनका हेयर स्टाइल, हेयर कट बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और उनकी डिमांड भी बढ़ गई। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर और साधना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट फिल्म श्री 420 में साधना ने कैमियो रोल किया। इस फिल्म का हिट गाना मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के में एक्ट्रेस नजर आई, यानी कि उन्हें अपने बाल संवारने में काफ़ी समय लगता था, जो कि राज कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार साधना को इसके लिए टोका, पर एक्ट्रेस हमेशा अपने हेयर स्टाइल को लेकर काफ़ी ध्यान रखती थी। एक दिन बार बार मना करने पर भी साधना ने बालों को संवारना नहीं छोड़ा तो राज कपूर और उनकी बहस हो गई। राज कपूर ने उन्हें फिल्मों को छोड़कर शादी करने की सलाह दे डाली, पर कलाकारा को यह साधना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह शूटिंग छोड़कर चली गई। इसके बाद दोनों ने करीब 6 साल तक कोई फिल्म नहीं की और फिर फिल्म दूल्हा दुल्हन में साथ नजर आए। इस अभिनेत्री ने हम दोनों, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर, एक हसीना, असली नकली, मेरे महबूब, वो कौन थी, वक्त, मेरा साया और आरजू जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, पर राज कपूर और साधना की बहुत कम बनी। ऐसी थी हमारी अभिनेत्री साधना।